नमस्कार, मैं प्रज्ञा धाधा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शनिवार को दिल्ली से पटना आ रहे हैं। राजधानी में उनके स्वागत और अध्यक्ष बनने की बधाई शुभकामनाओं वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच बीजेपी ने एक खेला कर दिया है। नीतीश कुमार की पोस्टर के पैरेलल बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को भी पोस्टर लगाकर बधाई दी गई है। सुशील मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है, जबकि आज उनका जन्मदिन है ही नहीं, पोस्टर में उन्हें भीष्म पितामह भी बताया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इन दिनों एक ऐतिहासिक निर्माण हो रहा है, भव्य बाप्स हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह मंदिर न केवल भारतीय समुदाय के लिए आस्था का केंद्र होगा, बल्कि विश्व शांति और सद्भावना का प्रतीक भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला 2018 में रखी थी। बिहार के 17 जिलों से लोग विदेशों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। विदेश मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के लिए विदेश जाने वाले में बिहार से अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के कामगारों की है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश से दोगुने लोग विदेश गए थे। विदेश मंत्रालय ने पिछले 5 सालों का आंकड़ा जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों के मिलजुल कर भाजपा से मुकाबला करने की कोशिशों पर कड़ा कटाक्ष किया है। देशवासियों की आम राय है कि उन्हें मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। देश पहले ही ऐसे गठबंधनों के चलते अपने 30 साल गंवा चुका है। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शुक्रवार को पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों की स्वाभाविक पसंद भारतीय जनता पार्टी ही होगी। जुलाई में शुरू होने वाले आगामी सत्र तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में ई लाइब्रेरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और 260 अंगीभूत कॉलेजों के लगभग 2 लाख से अधिक विद्यार्थी और शिक्षकों को ई लाइब्रेरी का मुफ्त सुविधा देने वाला है। अभी राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालयों और कुछ अंगीभूत कॉलेजों में यह सुविधा शुरू हुई है। स्नातक स्नातोत्तर विद्यार्थियों को संबंधित वर्ग की पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में इससे मदद भी मिलेगी। चेन्नईन एफसी के सह मालिक अभिषेक बच्चन ने कहा कि इंडियन सुपर लीग का अपने 10वें सीजन में प्रवेश करना देश में फुटबॉल के सभी हितधारकों के लिए बहुत गर्व की बात है। आईएसएल से बातचीत के दौरान बच्चन ने इसे भारतीय फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और साथ ही आईएसएल और मरीना मचांस को समर्थन देने के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की वजह से पीएमसीएच में सतर्कता बढ़ दी गई है। शहर के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में एंटीजन किट से कोरोना जांच करने के बाद मरीजों को भर्ती किया जाएगा। उधर पटना एयरपोर्ट पर भी कोविड जांच टीम की तैनाती कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की रैंडम कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से की जाएगी। संदिग्धों का RT-PCR जांच भी होगा। अगर आप भी इसरो में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो साइंटिस्ट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य है, वे आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन 15 जनवरी 2024 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसरो के इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 19 पदों पर बहाली की जाएगी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आधार सत्यापन जरूरी है। इसकी सूचना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना पोर्टल पर दी गई है। साथ में सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र भी लिखा गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना से होगी। इस योजना अंतर्गत जमा आवेदन का आधार सत्यापन किया जाना है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा कार्यालय को सूचित किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सभी स्कूल प्राचार्य को NMSS के लिए जमा आवेदन का सत्यापन करना है। इसके लिए सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नीना सिंह ने शुक्रवार को CISF की नई महानिदेशक का पदभार संभाला। CISF यात्री, हवाई अड्डों और अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है। राजस्थान कैडर के 1989 बैच की IPS अधिकारी नीना सिंह CISF की पहली और किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तीसरी महिला DG है। दिल्ली में लोधी रोड पर स्थित CISF के मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने सलामी गार्डर का निरीक्षण किया। इंस्टाग्राम दुनिया भर में पॉपुलर है और इस ऐप के 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इस साल कंपनी नई फीचर नए पेस ऐप में जोड़े हैं ताकि लोगों को यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके। इस बीच अब कंपनी एक और नया फीचर ऐप में जोड़ने वाली है। इस अपडेट की जानकारी एक्सपर्ट एक लिस्टर एलेसेंड्रो पॉलजी ने शेयर की है। लिस्टर के मुताबिक इंस्टाग्राम में जल्द कंपनी प्रोफाइल को शेयर करने का ऑप्शन देने वाली है, यानी आप अपनी या किसी दूसरी की प्रोफाइल इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर कर पाएंगे। पाकिस्तान ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग की है। हाफिज सईद कई आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा वांछित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सईद के प्रत्यर्पण की डिमांड संबंधी दस्तावेज को हाल ही में इस्लामाबाद भेजा गया था। मधुमेह की चपेट में आने वाले रोगियों में सामान्य मानसिक विकार भी हो सकते हैं। यह जानकारी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन में सामने आई है, जिसमें डॉक्टरों ने मधुमेह रोगियों में मानसिक विकारों के पुख्ता सबूत खोजे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि समय पर जांच न होने की वजह से मानसिक विकारों के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मधुमेह रोगियों का इन विकारों का जोखिम नहीं है।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। इन राज्यों के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा पड़ रहा है और कुछ इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम है। इससे आम जनजीवन और सड़क, हवाई और रेल सेवा पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों में 5 जनवरी 2024 से ठिठुरन और बढ़ेगी। 11 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। अगर आप भी एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की खबर है। दरअसल देश के सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। साल 2024 शुरू होने से पहले बैंक ने एफडी के ब्याज दर में इजाफा किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न अवधि की एफडी की ब्याज दरों में 1.25% तक बढ़ाया है। नई दरें 29 दिसंबर 2023 से लागू है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी सावधि जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई थी। इस साल 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि उन्हें एप्पल से वार्निंग मैसेज आया है कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स ने हैक करने की कोशिश की है। लगभग 2 महीने बाद 28 दिसंबर को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक जिस दिन एप्पल ने विपक्ष के सांसदों और पत्रकारों को यह नोटिफिकेशन भेजा था, उसके ठीक एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 में सीईसी या ईसी की नियुक्ति के लिहाज से चयन समिति पर विचार करने की प्रक्रिया के लिए सर्च कमेटी बनाने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे। सरकार का राजकोषीय घाटा नवंबर अंत तक पूरे साल के बजट अनुमान का 50.7% हो गया है। रुपए में वह 9.06 लाख करोड़ है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 की समान अवधि में यह 58.9% था। सरकार ने 2023-24 के लिए 17.86 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। यह GDP के अनुपात में 5.9% होगा। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक इससे घटाकर 4.5% पर लाना है। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि जुलाई सितंबर के मजबूत आंकड़ों के बाद 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% को पार कर जाएगी। अक्टूबर नवंबर में वाहन बिक्री, बिजली की खपत, PMI, विनिर्माण और सेवाओं सहित अन्य मोर्चों पर तेजी के संकेत दिखे। ये संकेत तीसरी तिमाही में मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाते हैं, जो चौथी तिमाही में भी जारी रह सकता है। वित्त मंत्रालय ने पहले अनुमान लगाया था कि अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.5% रहेगी। बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के खिलाफ चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 1.44 लाख शिकायतें मिली हैं। सबसे ज्यादा 24% शिकायतें कर्ज को लेकर है। RBI के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक कुल 146 बैंकों पर कार्रवाई कर 57.07 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें 9 सरकारी, 6 निजी और अन्य बैंक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के अप्रैल जून तिमाही में कुल 69,120 शिकायतें मिली थी। शेयर बाजार के लिए 2023 एक यादगार साल रहा। खुदरा निवेशकों और सकारात्मक कारकों के दम पर शेयरों में शानदार तेजी रही। इस साल 29 दिसंबर तक सेंसेक्स ने 19% और निफ्टी ने 20% बढ़त हासिल की। BSE पर सूचीबद्ध कंपनियों की बाजार पूंजी 81,90,598.32 करोड़ बढ़कर 364.28 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। स्मॉल कैप सूचकांक 47.52% बढ़ा। मिड कैप सूचकांक 45.52% उछला। शिव शारदा कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित मां शारदा मंदिर को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। कमेटी का दावा है कि कब्जा मुक्त होने के बाद इसके जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो जाएगा। बेंगलुरु के प्रेस क्लब में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए SSC के संस्थापक रविंद्र पंडिता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने प्राचीन शारदा मंदिर के परिसर पर अतिक्रमण किया था और समिति के पक्ष में अदालत के आदेश के बावजूद वहां एक कॉफी हाउस खोला गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा संगम पोर्टल पर एक क्लिक से हर जानकारी मिलेगी। पिछले साल लॉन्च पोर्टल को अपडेट किया गया है। इससे परीक्षा संबंधित हर जानकारी एक विंडो से मिलेगी। पोर्टल पर 9वीं से 12वीं तक के LOC से लेकर परीक्षा संबंधित तमाम जानकारी है। हर जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध रहेगी। इससे न तो छात्रों को क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ेगा और न ही स्कूल से संपर्क करना पड़ेगा। हर जानकारी एक क्लिक से मिल जाएगी। हॉकी इंडिया ने शनिवार को 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम प्रतियोगिता में शीर्ष 3 टीमों में से एक बनने और प्रेस 2024 ओलंपिक के लिए योग्यता हासिल करने के लक्ष्य के साथ रांची में के मैदान में उतरेगी। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ प्रतिरोध से भरे नए साल का जश्न मनाएगा, क्योंकि उसे भारत में बना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत जल्द मिलने वाली है। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर साल 2022 में कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे और ये मिसाइल सिस्टम फिलीपींस नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा, जो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सामना कर रही है।
प्रधानमंत्री आज यानी 30 दिसंबर को अयोध्या नगरी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी रोड शो करते हुए अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करने पहुंचे। अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचकर पीएम मोदी ने स्टेशन का उद्घाटन किया और 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई उनमें 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं। बता दें कि 1 अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के बीच और दूसरी मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस के बीच खुलेगी। नए साल से बहुत कुछ बदल जाएगा और शेयर मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस साल शेयर बाजार कुल 14 दिनों तक बंद रहेगा। एनएससी और बीएसई ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि अगले साल की 4 छुट्टियां ऐसी हैं जिसके साथ आपको एक्सटेंडेड हॉलीडे का लाभ मिलेगा, यानी ये छुट्टियां शुक्रवार या सोमवार को होती है। साल 2023 ने क्रूड ऑयल में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। इस साल कच्चा तेल जबरदस्त गिरावट पर रहा और साल के अंत तक भी नेगेटिव में भी बना हुआ है। इस साल क्रूड की कीमतों में 10% की गिरावट आई। ब्रेट $78 और WTI क्रूड $72 के करीब चल रहा है। साल की ऊंचाई से भाव 20% नीचे आया है। 28 सितंबर को ब्रेट $97 के ऊपर तक पहुंचा था। अगले साल की शुरुआत के लिए भी कीमतों में गिरावट का ही अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अयोध्या धाम जंक्शन को शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन की भव्यता को लेकर कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार अयोध्या में रेलवे स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। अयोध्या धाम स्टेशन हमारे देश की संस्कृति और परंपरा के अनुसार बनाया गया है। यह हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। मॉरिशस के सांसद महेंद्र गंगप्रसाद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आज भारत की नियति और उसकी तस्वीर को बदल दिया है। गंगप्रसाद ने कहा, आज लोग समाधान के लिए भारत की ओर देखते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके कार्यकाल में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। आज पीएम मोदी के दृष्टिकोण और नेतृत्व की वजह से ही नया भारत संभव हुआ है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, मंजू कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, नव्या सिंह, अनवर करीम खान, पवन सिंह, नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार छात्रवृत्ति से छात्र छात्राओं को कितना फायदा मिलता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।